हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे मैसूर घूमने के लिए, और वहाँ पे ना काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए। तो हम ना इवनिंग टाइम में निकले हैं, कुछ 4 साढ़े 4 बजे। तो देखते हैं कि हम वहाँ पे कब तक पहुँच पाते हैं और आज हम लोग क्या क्या घूम पाते हैं। तो गाइस, हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोग एक होटल में रुके हैं और ये इस होटल का नाम है रामगढ़। तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ हम लाइट स्नैक्स वगैरह खाते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। और अब हम लोग मैसूर पहुंच गए। हमें ना पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब वैसे तो हम लोग लेट ही निकले थे इवनिंग में 3-4 बजे, और जब हम पहुंचे तो 6-7 बज गए थे। ये देखो, ये है मैसूर पैलेस, जो लाइटिंग हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज तो हम नहीं घूम सकते मैसूर पैलेस क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, तो देखते हैं कि हम कल क्या क्या घूम पाते। और एक ये था घोड़ा बग्गी, जहाँ पे मैंने बैठ के पिक वगैरह क्लिक कराया था। तो गाइस, हम अपने होटल पहुंच गए हैं और ये हमने अपने होटल में एंट्री कर ली है, और ये हमारा होटल है। कल हम लेट नाइट यहाँ पे पहुँचे थे तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि हम यहाँ पे स्टे किया था। अभी चेकआउट कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं होटल से अभी इस टाइम पे, और अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं, और आप देख सकते हो अभी होटल के एग्जिट गेट से हम एग्जिट करेंगे। ये है मैसूर पैलेस जो मैंने आपको रात में दिखाया था, तो रात में ये काफी लाइट में दिख रहा था। अभी मैं दिन में यहाँ से जा रही हूँ तो दिन में कुछ ऐसा दिख रहा है। होपफुली अगर हम रात में यहाँ पे स्टे करें, और आज संडे है तो हम जरूर देखेंगे मैसूर पैलेस। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, संडे नाइट में लाइटनिंग होती है, तो अगर हम स्टे कर पाए यहाँ पे तो हम देखते हैं कि कैसा लगता है। ये आप देखो, ये दिन का ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ का व्यू आसपास का काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चामुंडी हिल्स है। अच्छा अच्छा, चामुंडी टेम्पल देख देगा बाद में। हाँ हाँ हाँ, बंडीपुरा सफारी है। कौन सा सफारी? बंडीपुरा। बंडीपुरा सफारी, बंडीपुरा देखेगा आंधे हुए मधुमले फॉरेस्ट है। ओके, एनिमल पूरा एनिमल्स है। अच्छा अच्छा, तो आज हम ये सब कवर कर लेंगे। हाँ, आज का कवर कर रहे हैं। अच्छा, नाइट तक ऊटी पहुँचेंगे। अच्छा, नाइट में हम लोग ऊटी के लिए यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो गाइस भैया ने हमें बताया कि काफी सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, तो अभी हम मॉर्निंग के 9:30 निकले, देखते हैं कि हम कितना घूम पाते हैं और होपफुली हम मैक्सिमम कवर कर लें, और देखते हैं जहाँ पे जाते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है ना भैया? ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये फ्लेवर्स था सामने में, और सिद्धार्थ होटल करके था, जो ना मैं अंदर गई
इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, पूछो मत। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब मॉर्निंग का टाइम हो रहा था 9:30 अप्रॉक्स, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बैठने को जगह भी नहीं मिली। हमने मतलब 5-10 मिनट वेट किया, फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड था। फिर हम वहाँ से निकल गए और फिर कहीं और हमने ब्रेकफास्ट किया। ये देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़, मतलब वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, कहीं भी आप जा रहे हो तो बहुत ही क्राउड होता है। क्या इतनी बड़ी सी फिश है? ये फिश नहीं है, ये तो क्रोकोडाइल लग रहा है। क्या भैया ये म्यूजियम? यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था, यहाँ पे ये क्या है, डोसा, मसाला डोसा मैंने ऑर्डर किया था। और ये अभी खा के मैं देखती हूँ कि यहाँ का, यहाँ पे वैसे साउथ में डोसा इडली यही काफ़ी फेमस है, और यही ऑप्शन होता है यहाँ पे भी होता है, बट साउथ फूड की बात ही अलग है। तो अभी हमने डोसा ऑर्डर किया था, डिलीशियस डोसा सी। तो अभी मैं खाती हूँ और बताती हूँ, तो अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ और बताऊँगी इसका टेस्ट। मैसूर का जू है, ये गेट है, अभी हम जाने वाले हैं। अभी हम चाहिए देखो, इसका एंट्री गेट है, कितनी ज्यादा भीड़ है। टेम्पल भैया कन्नड़ में बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम भैया कहाँ, चामुंडी हिल्स जा रहे हैं। चामुंडी हिल्स तो पुरातन का है, 500 इयर्स। ओके, पुरातन टेम्पल है। अच्छा पुरातन टेम्पल, पुरातन टेम्पल, काफी पुराना टेम्पल है ये चामुंडी। आगे से महिषासुर मर्दिनी है। अच्छा, इसके आगे ही महिषासुर मर्दिनी है जो काफी फेमस है यहाँ का। ये ईयरली वन टाइम नवरात्रि का है, मैसूर दशहरा फेस्टिवल है। अच्छा अच्छा, यही टेम्पल का चामुंडी है। एलिफेंट में तुम्बा जना इतार मैसूर अल। भैया कुछ कन्नड़ में कुछ स्टोरी सुना रहे हैं, मतलब दशहरा से रिलेटेड है ना भैया? हाँ, ईयरली नवरात्रि फेस्टिवल में, नवरात्रि फेस्टिवल में, मतलब यहाँ पे काफी अच्छा फेस्टिवल होता अच्छा है। वन वीक एलिफेंट आने, ओके, कन्नड़ में आने, हिंदी इंग्लिश में एलिफेंट है, हिंदी का है, हिंदी में हाथी, कन्नड़ में क्या बोलते हैं हाथी को? हाथी को आने, आने, कन्नड़ में हाथी को आने बोलते हैं। चलो मैं भी सीख गई। आने में सिटिंग करते है, चामुंडी देवी है। हाँ, नीचे महिषासुर पैलेस है। अच्छा, पैलेस में, ओके, चामुंडी देखेगा। ठीक है, तो चामुंडी हिल्स पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पे मतलब क्या क्या है देखने के लिए। महिषासुर है, महिषासुर है चामुंडी हिल्स का, और बहुत ज्यादा चामुंडी टेम्पल, चामुंडी हिल्स। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चामुंडी हिल्स, और हम लोग जा रहे हैं चामुंडी देवी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो देखते हैं। और काफ़ी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि आप ऐसे नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ही धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी कि हमें पार्किंग काफ़ी आगे करना पड़ा है। तो देखते हैं टेम्पल में कितनी भीड़ रहती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ। यहाँ का लोकेशन है, बहुत ज्यादा क्राउड है। ये छोटा सा मुझे यहाँ का एक लोकल मार्केट लग रहा है। ये इधर उधर का दिखा दे, बैंगल्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, गोंगल्स भी थी। ये सारा मार्केट ना टेंपल जाने के रास्ते में था, एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, और सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे, चकला, बेलन, वॉलेट,
एवरीथिंग, मतलब आप देख सकते हो कि भीड़ भी कितनी ज़्यादा हो रही है। और उस दिन ना मतलब हमने वहाँ पे ना नॉर्मल लोगों से पूछा, जो लोकल वहाँ के लोग थे वहाँ से पूछा कि मतलब नॉर्मली इतनी ही भीड़ रहती है या फिर क्या है सिस्टम यहाँ का, तो फिर लोगों ने बताया कि यहाँ पे ना नॉर्मली ही इतनी भीड़ रहती है क्योंकि ना काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, टेंपल में दर्शन करने के लिए, ये टूरिस्ट प्लेस है तो इसलिए ना नॉर्मली यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। और ये देखो यहाँ पे यही प्रसाद चढ़ता है। और ये तो बहुत लंबी लाइन है, कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है ये, ये देखो आप कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है आगे तक। अभी मैंने आपको दिखाया आगे कितना ज़्यादा क्राउड है और पीछे देखो कितनी ज़्यादा लंबी क्यू है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये हमने टिकट परचेज़ किया है तब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और हद से ज़्यादा धूप हो रही है, मतलब एकदम इतनी गर्मी हो रही है ना पूछो मत। आई होप हमें अच्छे से दर्शन हो जाए। बहुत देर से हम यहाँ पे क्यू में खड़े हैं, मेरे पीछे आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और ये है चामुंडी देवी टेंपल का एंट्रेंस गेट, और यहाँ पे भी इतने सारे लोग थे ना मतलब पूछो मत, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और धूप भी बहुत था और लोग भी इतने सारे एकदम। और ये ना मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ, मतलब देखो आप मेरे आगे कितने सारे लोग हैं, और वहाँ पे ना एकदम टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि चलो दर्शन करके थोड़ी देर रुक जाए, बस ऐसे था कि आपने दर्शन किया और विद इन सेकेंड निकलो। तो फिर हम ना जल्दी जल्दी से हमने दर्शन किया, फाइनली हमें अच्छे से दर्शन हो गए। सो गाइस फाइनली हमने चामुंडी देवी के दर्शन कर लिए। एज यू नो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मतलब आप मेरे पीछे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। बिल्कुल लग नहीं रहा कि कोविड का फोर्थ फिफ्थ वेव आने वाला है। नो मास्क, किसी को परवाह ही नहीं, मतलब उसमें हम भी एक है। खैर लीव, और फाइनली हमने दर्शन कर लिया। अंदर का हम ना वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी, कितनी ज़्यादा धूप, कितनी ज़्यादा भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये है महिषासुर का स्टैचू, ये वहीं पर है चामुंडी देवी टेंपल के पास, वहाँ से विद इन 100 मीटर होगा। जैसे पहले आप चाहोगे ना तो पहले महिषासुर आता है, फिर आते हैं चामुंडी माता का टेंपल, तो और आते टाइम पे इनके दर्शन होंगे, तो वे वहीं पर है मैसूर में ही। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर जरूर करना। बाय।